सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 101वें दिन में किसानों का प्रदर्शन प्रवेश कर चुका है। किसानों ने थोड़ी सी रणनीति अपनी बदली है। किसानों ने शुरुआत की थी सिंघू बॉर्डर से, जहां उन्होंने प्रदर्शन स्थल बनाया था। उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया और गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रदर्शन शुरू हो गया किसानों का। तीन ऐसी सीमाएं हैं दिल्ली एनसीआर की, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने महापंचायत का भी सहारा लिया। आपको याद होगा जब 26 जनवरी में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया था तो कई जगहों पर हिंसा हो गई थी, जिसके बाद एक वक्त ऐसा आया था कि शायद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भावुक अपील उन्होंने की, आँख से आंसू गिरे, उसके बाद इस आंदोलन में फिर से जान आ गई। अब किसानों ने महापंचायत की शुरुआत की, उसी के बाद महापंचायत की शुरुआत हुई थी। नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महापंचायत को बुलाया था। बहुत कम मौक़ों पर ऐसी बातें निकल करके सामने आती है कि महापंचायत का आयोजन किया जाए। उसके बाद लगातार महापंचायतों का आयोजन होने लगा, न सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में महापंचायतों का आयोजन किया गया, बल्कि अब दूसरे राज्यों में या दूसरी जगहों पे भी महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि किसानों ने गांव का रुख किया है। अब एक और तरीका अपनाया है किसानों ने, चूँकि किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही, किसान की मांग नहीं मान रही, किसानों की नहीं सुन रही है सरकार, इसलिए उन्होंने किया ये है कि उन्होंने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए जाम कर दिया, यानी चक्का जाम किया है। हालांकि जो ज़रूरी सेवाएं हैं उसे रोका नहीं गया है, उसकी इजाज़त दी गई है किसानों के ज़रिए। हम अभी वहीं पर खड़े हैं, आप देखिए ये ट्रैफिक है, ये गाड़ियाँ हैं, एक्सप्रेसवे हैं, और हम उसी एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं। ये नीचे का पोर्शन है और ये देखिए ये बोर्ड है, दादरी, पलवल, गाज़ियाबाद, ये तमाम जगहों पे जाने का रास्ता बताया गया है, इंडिकेट किया गया है। हम उसी जगह पे खड़े हैं और ये 4 बजे तक यहाँ पे चक्का जाम चलेगा किसानों के ज़रिए। तो किसानों का साफ कहना है कि चूँकि सरकार नहीं सुन रही उनकी, सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। अब ये देखें, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, उसे रोक दिया गया, ट्रक कह सकते हैं इसे, यहाँ पे सड़क पे लगा करके जाम कर दिया गया है इसे, यानी ट्रैफिक जाम किया गया है। और हम इस तरफ आकर के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है लगातार, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पुलिस का भी इंतजाम है, यानी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं, जय जवान जय किसान के भी नारे लगाए जा रहे हैं। ये तमाम किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे वार्ताएं चल रही हैं प्रशासन के लोगों से, और यहाँ पे जो किसान के नेता हैं उनके ज़रिए दोनों के बीच में ये वार्ताएँ हो रही हैं। लेकिन ये 4 बजे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, चूँकि 11 बजे से 4 बजे का टाइम दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखिए ये सड़क पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए देख लीजिए, और देखिए ये सड़क पे बैठे हुए हैं लोग और प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है चूँकि सरकार नहीं मान रही इसलिए वो मजबूर हैं इस तरह कदम उठाने के लिए, और काली पट्टी भी लगा रखी है इन लोगों ने, चूँकि काला दिवस मनाया जा रहा है इसलिए काली पट्टी लगा रखी है इन्होंने। तो आप देखिए कई सारे लोग हैं, किसान हैं जो बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, आप यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा? और मजबूरी है, क्या करें, पिछले ऐसी मजबूरी बैठे हुए हैं, पिछले 100 दिन से काले कानून वापस, सरकार सुनी नहीं किसी की। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं वैसे? हम गढ़ से हैं, गढ़ मुक्तेश्वर। अच्छा, तो यहाँ पे आप प्रदर्शन करके सरकार को क्या जताना चाह रहे हैं? हम सरकार को जताना चाह रहे हैं क्या बताओ, जाग ही जाए अभी जल्दी में ही, हाल में ही, अभी तो इलेक्शन में जैसे भी बिजी है, हम चाहते हैं कि आजकल जल्दी ही जाग जाए सरकार, क्योंकि किसान हम कम से कम 250 से ऊपर मौतें हो चुके हैं किसानों की, ये हम चाहते हैं कि तीनों काम निकाल काले कानून है इनको वापस लिया जाए। अच्छा, हमारे साथ बुजुर्ग किसान भी हैं, जरा उनसे भी बात करें हम, कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से आए आप? हम गढ़ मुक्तेश्वर से।
अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर से आप भी आए हैं, ये काली पट्टी बांध के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं? हम सरकार को अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं भी, ये इतनी अंधी बोली तानाशाह सरकार है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो 101 दिन हो गए बैठे हमें बॉर्डर पे, तो जो सरकार एक बिल्कुल अंधी बहरी होगी पूंजीपतियों की सरकार, किसान उनको दिखाई नहीं दे रहा, ये हम आप काली पट्टी बन के इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं कि हमारे जो मांगे हैं मानो, हम अपने घर को जावें, हम भी खेत खलिहान में हैं। सरकार को जो दिखाना चाहते हैं, जो सरकार कह रहे थे किसान चले गया है, हम अपनी खेती भी कर रहे हैं, जब जब कोई ऐसी कॉल आती है हम उसी टाइम अपना प्रोटेस्ट भी दिखाते हैं। आप कहाँ से? बड़ौद से। बड़ौद से तो क्यों यहाँ पे आए, क्यों आना पड़ा? 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। नहीं, तो उसके लिए तो प्रदर्शन हो ही रहा है ना, वो टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं डासना में एक्सप्रेसवे पे आप बैठे हुए हैं। हाँ, तो अपनी आपत्ति दर्ज करानी है ना किसान को, आपत्ति दर्ज कराने 4 बजे तक। तो क्या लगता है सरकार सुन लेगी? सुनना पड़ेगा, सुनना लंबा। हम 6 महीने कहते पहले तैयारी करके आए थे, आप जो आगे भी जरूरत पड़ेगी थी और लंबा बैठेंगे। ये जो आप ये जन आंदोलन बन चुका है, अब जो किसान का आंदोलन, ये सब रोटी खाने वाले का आपका भी आंदोलन है। ये गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कानून लिया ही, तानाशाही कानून है, श्रम कानून एक लेके आई है, जो हमारे बच्चे पहले 8 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको 12 घंटे 6 से 6 बजे तक 12 घंटे काम करना पड़ेगा उन्हीं पैसों में। ये पूंजीपतियों की सरकार है जो कह रही कानून बनाए हैं किसान के लिए, इसमें किसान का एक भी फैस नहीं है, पूंजीपतियों के कानून है बनाए। तो ये पूंजीपतियों के कानून है, लेकिन यहाँ पे सड़क पे बैठ करके ट्रैफिक जाम करके कुछ हासिल होगा? नहीं, ट्रैफिक वाले भी हमारे साथ हैं, अभी सारे जो जितने ड्राइवर आए थे वो उन्होंने भी आके जहाँ आपको बैठ दिया, वो कह रहे हम किसानों के साथ हैं, हमें कुछ नहीं बच रहा, उनके लत्ते कपड़े देखो क्या मिल रहा है। किसी आम लोगों को परेशानी हो रही होगी ना आने जाने में? हमें भी परेशानी हो रही है, सबको परेशान, हम एक 100 दिन से परेशान बैठे हैं, उनको एक इस काम को परेशानी हो रही है, जब भी तो किसान जी भी जब भी तो कर रहे इस काम को। तो देखा आपने, इन्हें भी परेशानी हो रही है जैसा कि इनका कहना है, इसलिए ये बैठने को यहाँ मजबूर हैं। तो ये देखिए प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे और ये वार्ताएं चल रही हैं, किसान नेताओं से प्रशासन के लोगों की वार्ताएं लगातार जारी हैं। हालांकि 4 बजे ये खुद ही समाप्त हो जाएगा, चूँकि 4 बजे का वक्त दिया गया है और 11 बजे से लेकर 4 बजे का ये वक्त तय किया गया था पहले ही कि 4 बजे ये प्रदर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये डासना है, ये जगह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये डासना जगह है और यहीं पर पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। और आप देखिए कि यहाँ प्रशासन के लोग हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रा सामने पीछे दिखलाना भीड़, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासन के कई लोग हैं, पुलिस वाले हैं, और ये लोग आकर के यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये देखिए प्रशासन के लोग हैं और इनसे किसान नेताओं की वार्ताएं हुई हैं। हालांकि 4 बजे का वक्त दिया गया है, 4 बजे का वक्त है और 4 बजे ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, 11 बजे से 4 बजे तक। हालांकि किसानों का ये कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो इस तरह का प्रदर्शन वो आगे भी जारी रखेंगे। तो अब वक्त भी लगभग होता जा रहा है और ये प्रदर्शन अब समाप्ति की ओर जा रहा है। तो ये देखिए ये प्रशासन के लोग हैं, मैं चाहूँगा कि ये सब प्रशासन के लोग हैं और ये यहाँ पे खाली कराया जाए, ये जो बड़ा सा कंटेनर है, ट्रक जो भी कह लें आप, इसे अब हटाया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। तो ये पुलिस वाले हैं, सारे लोग हैं और अब इसे खाली बल्कि अब लगभग टाइम ही हो रहा है और ये खाली कराया। तो ये किसान हैं और किसानों का प्रदर्शन है पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर जहाँ पर हम खड़े हैं डासना में। और देखिए, और ये रिकॉर्डिंग भी पुलिस के ज़रिए की जाती है। हाँ, ये इनका अपना तरीका है, जो प्रोटेस्ट होता है, जो प्रदर्शन होता है, तो ये रिकॉर्डिंग भी की जाती है। तो ये देखिए कि ये तमाम किसान, ये भीड़, ये रश और ये जमावड़ा किसानों का, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आकर के प्रदर्शन कर रहे थे और ये से अब खाली करा दिया गया है। तो टाइम भी लगभग ओवर हो गया, लगभग होने जा रहा है टाइम और ये समाप्ति की ओर है। तो आप देखिए अब ट्रैफिक खुल गई है, लोग जाने लगे हैं, लेकिन किसान अब भी यहाँ पे डटे हुए हैं। तो किसानों का प्रदर्शन और ये जो हाईवे है इसे अब खाली कराया गया है। और देखिए, तो किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो इसे विस्तार दिया जाएगा। तो वक्त लगभग अब होने को है, 4 बजे का वक्त ही तय किया गया था, वक्त होने को है और ये अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि ट्रैफिक खोल दिया गया है, प्रशासन के लोग आए थे, उनसे वार्ता हुई है, टाइम भी लगभग होने को है, इसलिए ये प्रदर्शन
अब समाप्ति की ओर जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ तासना गाजियाबाद से मैं फैज आलम फैजी। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।